ऐतिहासिक શહેરની ઓળખ ધરાવતા એવા વડોદરામાં વિન્ટેજ કાર રેલીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વિન્ટેજ કાર રેલી વડોદરાથી લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી નીકાળવામાં આવી હતી। હેરિટેજ કાર રેલીમાં 105 વર્ષ જૂની ફોર્ડ કાર સહિત અન્ય 75 હેરિટેજ કાર સામેલ કરવામાં આવી હતી। રેલીમાં હેરિટેજ કારના શોખીનોએ દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિઓ જોડાયા હતા। હેરિટેજ કારનું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રદર્શન કરાયું હતું। ये जोवा मोटी संख्या में प्रवासी उमटी पड़ा था। प्रवासी हेरिटेज कारों साथे सेल्फी नो आनंद माणी आनंद पड़ो माणी दुनियानी सौथी ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ रेडी खाते आजादीना अमृत महोत्सवना भाग रूपे 75 जेटली विंटेज कार आई है। तमे तस्वीर में जोई सको छो के दुनिया भरनी विंटेज कार आई है। त्यारे अपनी साथे जे कार लईने आया छे तेमनी साथे ज आपणे वातचीत करीने पूछीशुं के एमनुं शुं केवुं छे। कौन सी कार लेके है? इधर अल्फा रोमियो 1972। तो किस तरह का आपका राइड रखा और किस तरह से उसका रख रखाव करना पड़ता है? पुरानी गाड़ी है तो संभाल के रखना पड़ता है, पार्ट्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं या तो कभी कभी बनाने पड़ते खुद से। अच्छी थी राइड, अब तो ये पहली टाइम बाहर निकल रही है ये पूरी बन के 7 साल के बाद। हम लोग कटनी मध्य प्रदेश से हैं और वहीं से कार लेके आए। मेरे पापा कलेक्टर हैं तो उनका एक इलेक्शन है। ये 1920s का मॉडल है, ये फैंटम है। तो क्या मतलब इतनी पुरानी कार है, मतलब पूरा अभी नई ब्रांड कार है ऐसी रखते तो किस तरह का रख रखाव करना पड़ता है? क्या मतलब आपको केयर किस तरह से लेते हैं? इनको हर 2 दिन में आपको एक बार चालू करना पड़ता है और आपको इनको बहुत बच्चों जैसे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपके खुद के बच्चे हों। इसकी खासियत है कि ये उस ज़माने की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में से होती थी और कुछ सिलेक्ट को ही मिलती थी जिनको बैकग्राउंड चेक करके रोल्स वाले